I'm joined by Tarkisor Prasad, who is likely to be the next Deputy Chief Minister of Bihar. He's a four-time MLA, and he's not been a minister earlier. And now that he's Deputy Chief Minister-elect, the swearing-in would be held at 4:30 p.m. Tarkisor ji, pehle to aapko bahut-bahut badhai. Vidhan Mandal Dal ka neta chune jane par iske pehle aap kabhi mantri na rahe, sadharan karyakarta ko Bharatiya Janata Party ne ye mauka diya hai. Aapko kya lagta hai? नहीं देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की यही खूबी रही है कि हाँ, हम सब कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं और जो भी दायित्व तो मिलता है उसका निर्वहन करने का हम सब प्रयास करते हैं। और ये क्या आप उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं, नंबर टू पर शपथ ले रहे हैं? हाँ, जो अभी हम भाजपा विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित हुए हैं और संकेत है कि उप मुख्यमंत्री के रूप में हम शपथ लेंगे। और दूसरी बात कि क्या दो उप मुख्यमंत्री होंगे? हाँ, दो उप मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण आज होना है। कौन है दूसरी? उसमें माननीय विधायक रेणु देवी जी का नाम आ रहा है, क्योंकि वो उपनेता भी हैं तो उस नाते वो भी शपथ लेंगे। दो उप मुख्यमंत्री यूपी के तर्ज पे। और ये स्पीकर का पोस्ट भी शायद आप ही लोग के पास जा रहा है। इस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हमारे राष्ट्रीय और प्रांतीय नेता जनता दल यूनाइटेड के और जो अपने सहयोगी दल हैं उनके साथ बात कर रहे हैं और ये सब उस स्तर पर निर्णय होगा। और प्राथमिकताएं क्या होंगी, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो चेहरा बदला गया है। सुशील मोदी जी लंबे समय तक थे, तो सुशील मोदी जी ने ही आपका नाम रिकमेंड किया? हाँ, उनके द्वारा मेरे नाम का प्रस्ताव किया गया और फिर विधायक विधानमंडल दल ने उसकी स्वीकृति दी। और जहाँ तक है कि आने वाले दिनों में हमारा क्या एजेंडा होगा, तो सब एक बार सरकार का गठन होने दीजिए, शपथ लेने दीजिए, फिर जो हमारा एजेंडा है कि बिहार को हम एक विकास के कैनवास पर हम लोगों ने जो एक नई भारत माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लिखी है, सुशील कुमार मोदी जी के नेतृत्व में लिखी है, उसको हम सब आगे बढ़ाएंगे। उसके लिए हमारा एक बहुत बड़ा नेतृत्व वर्ग है जो इन चीज़ों को तय कर रहा है। वो जो एजेंडे तय किए गए हैं उन पर हम सब काम करेंगे। बीजेपी के कितने मिनिस्टर शपथ ले रहे हैं आज? इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तो आप लोग हो गए। ये तो नेतृत्व को तय करना है, इसलिए इस पर हम कोई टिप्पणी। आप तो कल रात देर रात तक बैठक चली थी। ठीक है, बैठक चली थी, लेकिन वो अंततः नेतृत्व को तय करना है। और क्या प्राथमिकताएं होंगी आपकी, क्योंकि अभी इस बार तो जेडीयू जो है 43 नंबर पे है, 74 पे आप? ठीक है, हम लोग सब मिलकर काम करेंगे। कम और ज्यादा वो चलता रहता है, लेकिन हम लोग साझा सरकार के रूप में हम सब काम करेंगे। साझा सरकार के रूप में काम करेंगे। और फॉर्मूला क्या तय हुआ है मंत्रिमंडल का? ऑफ कोर्स भी हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि बार बार फॉर्मूला तय होता है कि इतने विधायक पर इतने मंत्री, वो नेतृत्व सब तय कर रहे हैं। आप तो अब नेतृत्व के पार्ट हो गए तारकिशोर जी। पार्ट अभी ठीक है, विधायक दल के नेता चुने गए हैं, लेकिन हमारे ऐसे कई बड़े हमारे नेता हैं जो इन चीज़ों को देख रहे हैं और इसी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। हमारी कुछ सीमाएं हैं, हम सब अपने अपनी सीमाओं में काम करते हैं, तो जो नेतृत्व को तय करना है वो नेतृत्व तय करेगा, फिर जो तय होगा उस एजेंडे पर सरकार आप प्रतीक्षा करें, सरकार का गठन हो जाएगा तो फिर हम लोग उस पर काम करेंगे। सुशील मोदी जी ने एक बात कहा कल की लास्ट लाइन लिखा कि कार्यकर्ता का पद कोई छीन नहीं सकता उनसे, तो क्या वो मात्र कार्यकर्ता रहेंगे या केंद्र की राजनीति? नहीं, हमारे वो बड़े नेता हैं, सुशील कुमार मोदी जी हमारे बड़े नेता हैं, जो नेताओं का जो एक बड़ा वर्ग है उसमें उनकी अपनी बड़ी भूमिका है और हमने तो काफ़ी उनसे अपने राजनीतिक जीवन में सीखा है, इसलिए उस पर मैं क्या कहूँगा, हमारे नेता रहे हैं, हमने काफ़ी सीखा है, तो उस पर कोई टिप्पणी या मार्गदर्शन देते रहेंगे या उनको बिहार की राजनीति से अलग कर? नहीं नहीं, देखिए एक चीज़ तो बता दें, भारतीय जनता पार्टी में न कोई बड़ा होता है पद, न छोटा पद होता है। ये हमारा नेतृत्व वर्ग है, हमारे वो मार्गदर्शक हैं और शेष तो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करते हैं किस कार्यकर्ता को किस स्वरूप में कहाँ लगाना है, कहाँ काम करना है,
इसलिए इसमें कोई कठिनाई नहीं। सुशील मोदी की जी की जो काबिलियत है, मैं भी आपसे इत्तेफाक रखता हूं, काफ़ी काबिल व्यक्ति हैं और बिहार में नीतीश कुमार के बाद उनसे बड़ा कद का नेता कोई नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए? देखिए, ये तो अब नेतृत्व को तय करना है, उनका उनके योग्यता का, उनके प्रतिभा का बेहतर उपयोग निश्चित रूप से दल करेगा। आखिर इतने दिनों तक नेतृत्व ने ही उन्हें इस स्वरूप में रखा है और मुझे लगता है कि और उनके उनके प्रतिभा का और बेहतर इस्तेमाल कैसे हो, जरूर राष्ट्रीय नेतृत्व देख रहा होगा, उस पर मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं है। ठीक है, लेकिन मंत्रिमंडल का स्वरूप आप नहीं बता रहे हैं, क्या होगा अभी? नहीं, वो नेतृत्व बताएगा, राष्ट्रीय नेतृत्व जब पटना और बिहार में है, फिर मुझे मैं ये सब अटकलबाजी। राष्ट्रीय नेतृत्व से कौन कौन आ रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह में? मुझे जानकारी मिली है कि अपने माननीय श्री अमित शाह जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यशस्वी श्री जेपी नड्डा जी का भी आगमन हो रहा है। आगमन हो रहा है और आप लोग को आशीर्वाद देंगे, तो कहने का मतलब कि अब बीजेपी में नए जनरेशन की शुरुआत हो गई है एक तरीके से। चलिए, वो तो जिम्मेदारियां इसी तरह बदलती हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप एक जमीनी रूप से मैंने देखा है आपको, रिक्शा की सवारी करते हुए भी आप रिक्शा से चलकर कई बार आप देखा है विधानसभा और कई अधिकारियों के घर पर भी आप रिक्शा से आते हैं, तो कार्यकर्ता को ये तरजीह दी जा रही, अच्छी बात है। तो ये थे तारकिशोर जी जो कि डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं और जैसा कि इन्होंने बताया अभी रेणु देवी भी बनेंगी और काफ़ी ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, नीचे से ऊपर उठे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें मौका दिया है। ओवर टू यू।